हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपका होस्ट स्वर्णिम गुप्ता आप सभी के लिए आज एक नई वीडियो लेके आया हूँ। और आज की इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ दिल्ली एनसीआर के कुछ टॉप 10 वॉटर पार्क्स के बारे में। दोस्तों, वॉटर पार्क्स आप सभी गए होंगे और आप सभी ने देखा होगा कि वॉटर पार्क्स में कितना एंजॉयमेंट होता है। जैसा कि आज के टाइम में गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है, गर्मी से आपको रिफ्रेशमेंट लेने के लिए वॉटर पार्क से अच्छी जगह कोई नहीं मिलती। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं यही बताऊंगा कि पूरे दिल्ली एनसीआर में, नेशनल कैपिटल रीजन में, कौन सी ऐसी जगह है, कौन सी ऐसे 10 वॉटर पार्क्स हैं जहाँ पे आपको गर्मी से रिफ्रेशमेंट मिल सकती है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। हमारे 10th नंबर पे है फन एंड फूड विलेज। दोस्तों, फन एंड फूड का नाम तो आप सभी ने सुना ही होगा। ये लोकेटेड है ओल्ड दिल्ली गुड़गांव रोड पे, कापासेड़ा बॉर्डर पे। ये सबसे ज्यादा पॉपुलर, सबसे ज्यादा विजिट करने वाला वॉटर पार्क माना जाता है। इसमें एक एम्यूजमेंट पार्क भी है। और इसकी जो टाइमिंग से ओपनिंग ओपन होने की वो है दोस्तों 3:30 बजे शाम से शाम 6:30 बजे तक की, वीकडेज पे, मंडे टू फ्राइडे पे। और वीकेंड पे जो टाइमिंग है वो है 3:30 बजे से 7 बजे तक की, संडे और सैटरडे के लिए। जो इसकी एंट्री फीस है दोस्तों कपल्स के लिए वो है 1200, एडल्ट के लिए जो है वो है 700 पर पर्सन, और किड्स के लिए जो है वो 400। चलिए दोस्तों, चलते हैं हमारे 9th नंबर के वॉटर पार्क पे, जो कि है स्प्लैश। दोस्तों, स्प्लैश का नाम आप सभी ने सुना ही होगा। इसका एडवर्टाइजमेंट बहुत हुआ था जब ये ओपन हुआ था। ये लोकेटेड है करनाल रोड पे, अलीपुर में, दिल्ली में। ये प्लेस जो है बहुत ज्यादा पानी की है, पूरा इसमें पूरा ही ये वॉटर पार्क है। इसमें बहुत सारी स्लाइड्स वगैरह भी हैं। आप देख सकते हैं कि ये वाली स्लाइड बहुत ऊपर से आती है, आपको ऐसे सर्कुलर सर्कुलर जाके जब जाके नीचे मिलती है। और जो इसके ओपन होने की जो टाइमिंग्स है वो दोस्तों 10 बजे से सुबह शाम के 7 बजे तक की है। और इसकी जो राइड्स हैं वो बेसिकली इंक्लूड करती है साइक्लोन, फैमिली स्लाइड, मशरूम फॉल, हराकिरी, मल्टी लेन स्लाइड्स, और भी बहुत सारी स्लाइड्स हैं दोस्तों इसमें। इसकी जो एंट्री फीस है वो कपल्स के लिए 1290 की है, ऑलमोस्ट 1300 की है, और अडल्ट के लिए 900 की है, और किड्स के लिए जो है वो 506 रुपीज। हमारे जो 8th नंबर का वाटर पार्क है दोस्तों वो है अपनोघर वाटर पार्क। अपनोघर का नाम भी आपने सुना ही होगा क्योंकि ये बहुत ही फेमस है दिल्ली में। ये वाटर पार्क जो है इसके साथ में ही इसका एम्यूजमेंट पार्क भी है। ये जाना जाता है अपने ब्यूटीफुल रिजोर्ट के लिए। जो ये लोकेटेड है ये जयपुर एक्सप्रेस वे पे, दिल्ली जयपुर एक्सप्रेस वे पे, NH 8 पे। इसके जो है इस वाटर पार्क में जो है 21 थ्रिलिंग राइड्स है, 21 राइड्स हैं इसमें, जो इंक्लूड करती हैं कैटरपिलर, बेबी ट्रेन, वेस्टर्न ट्रेन, राउंड अबाउट, फ्लाइंग बॉब, और भी बहुत सारी चीजें हैं। ये कुछ फेमस राइड थी। इसकी जो टाइमिंग से ओपन होने की अम्यूजमेंट पार्क की वो है 11 सुबह 11 बजे से शाम के 8 बजे तक, और वाटर पार्क की जो टाइमिंग है वो 10 बजे से सुबह शाम के 8 बजे तक। एंट्री फीस जो है वो अम्यूजमेंट पार्क की वो 400 रुपये है सबके लिए। वाटर पार्क की जो एंट्री फीस है वो 750 रुपये, कंबाइंड एंट्री जो होगी दोनों की मिला के वाटर पार्क अम्यूजमेंट पार्क की, वो होगी 950 रुपये। हमारा जो 7th नंबर का वाटर पार्क है दोस्तों वो है ड्रिजलिंग लैंड। ये ड्रिजलिंग लैंड जो है वो 30 तरह की एक्टिविटी करता है। ये बहुत ही फेमस हो चुका है, अभी नया ओपन हुआ था, बहुत ज्यादा फेमस हो चुका है ये दिल्ली एनसीआर के रीजन में। इसकी जो कुछ स्पेशल राइड्स हैं वो है दोस्तों रिवॉल्विंग टावर, टावर जो ऐसे रिवॉल्व करता है, वेव पूल, एक पूल होता है उसके अंदर वेव जनरेट की जाती है, टाइम टू टाइम वेव्स आती हैं उसमें, डिस्क कोस्टर एटसेट्रा, बहुत सारे और भी बहुत सारी राइड्स हैं दोस्तों इसकी। इसकी जो टाइमिंग है इस वाटर पार्क की ओपन होने की वो है 10 बजे से सुबह शाम के 8 बजे तक की। जो इसकी एंट्री फीस है दोस्तों अडल्ट के लिए वो है 550 रुपये, किड्स के लिए जो है 450 रुपये, स्टैग एंट्री जो है वो 750 रुपये है, और ये वीकडेज की एंट्री है। दोस्तों, वीकेंड्स पे जो है सैटरडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे पे इसका प्राइस, टिकट का प्राइस जो है वो 100 रुपये हर एक पर्सन पे इंक्रीज हो जाता है। तो वीकेंड्स पे एंट्री हो जाएगी इसकी 650, किड्स की हो जाएगी दोस्तों 550, स्टैग एंट्री जो होगी वो हो जाएगी 850 रुपये। चलते हैं दोस्तों हमारे नंबर 6th पे, जो कि है जस्ट चिल। जैसा इसका नाम है जस्ट चिल, वैसा ही इस वॉटर पार्क में आप कर सकते हैं बिल्कुल चिल होके। ये हाल ही में खुला है ये वॉटर पार्क, और ये बहुत ज्यादा फेमस हो चुका है अपनी राइड्स की वजह से। इसमें बहुत सारे वॉटर पूल्स हैं, स्लाइड्स हैं, रेन डांस है, रैंप है, और डीजे सिस्टम भी है इसमें। आप वहां पे डांस भी कर सकते हैं अगर आपको पसंद है डांस करना। तो इसके जो बेसिक मेन राइड्स हैं वो दोस्तों है कटरीना ट्विस्ट, ब्लैक थ्रिल, रोमियो एंड जूलियट एंड वेव पूल, और इसके बहुत सारे अदर हाउसेस भी हैं जैसे कि कैटरपिलर, ब्रेक डांस, स्विंग चेयर, वॉर्टेक्स। इस वॉटर पार्क की जो टाइमिंग्स है दोस्तों सुबह
जो है वो है वीकेंड वीकडेज पे वॉटर पार्क की जो है 10 बजे से 6 बजे तक की, और एम्यूजमेंट पार्क पे जो है 4 बजे से 6 बजे तक की है। वीकेंड्स पे जो वॉटर पार्क की टाइमिंग है सुबह 10 बजे से शाम के 7 बजे तक है, एम्यूजमेंट पार्क की जो टाइमिंग है शाम के 4 बजे से 7 बजे तक की है। इसकी जो टिकट्स हैं दोस्तों अडल्ट्स के लिए वो 600 रुपए का प्राइस है, किड्स के लिए 400 का, स्टैग एंट्री जो है वो 800 की। इसमें भी सेम वही है कि वीकडेज पे ये प्राइस ये रहेगा और वीकेंड्स पे जो रहेगा प्राइस उसमें 100 रुपीज पर उस पर इंक्रीज हो जाएगा। तो अडल्ट की जो वीकेंड्स पे प्राइस रहेगा वो 700, किड्स की जो रहेगा 500, और स्टैग एंट्री जो रहेगी वो हो जाएगी 900 रुपीज की। चलिए दोस्तों चलते हैं हमारे नंबर 5th वाटर पार्क पे जो कि है F1 Max। दोस्तों जैसा इसका नाम है F1 Max, तो इसमें फुल मैक्सिमम फन आता है। और ये एफ जो फर्स्ट एफ है ये बेसिकली फरीदाबाद के लगाया गया क्योंकि फरीदाबाद एरिया में पड़ता है, ये बहुत ही ज्यादा फेमस है वहां के एरिया में जो वाटर पार्क है। इसकी जो बेसिक मेन स्लाइड्स है वो है मल्टी रेसर स्लाइड्स, वेव पूल, साइक्लोन राइड, ट्विस्टर स्लाइड और रेनबो शार्क्स। इसकी जो टाइमिंग्स है ऑन होने की वो वीकडेज और वीकेंड्स पे सेम ही है, 10 बजे से सुबह शाम के 7 बजे तक। एंट्री फीस जो है वो अलग है, वीकडेज पे अडल्ट की जो है अबव 4 फीट के अडल्ट हैं जो उनकी 600 रुपीज है, चाइल्ड जो है उनकी 500 है, स्टैग एंट्री जो है सिंगल एंट्री मेल की 500 की है। वीकेंड्स पे जो है अडल्ट की जो है 650 की है, चाइल्ड की जो है 550 की है, और स्टैग एंट्री की जो है 550 की है। चलते हैं दोस्तों हमारे 4th नंबर पे जो कि है ओइस्टर बीच पार्क। अगर आप दिल्ली एनसीआर में हैं आपने अपनों घर का नाम भी सुना होगा, अपनों घर का ही ये एक पार्ट है ओइस्टर बीच पार्क। ओइस्टर बीच पार्क जो लोकेटेड है वो हुड्डा सिटी मेट्रो स्टेशन के जस्ट पीछे है सेक्टर 29 में। और जो ये वाटर पार्क है ये लोडेड है बहुत ज्यादा अपने स्काई फॉल, पायलट स्टेशन, टाइफून टनल, वेव पूल, रेन डांस, लेजी लेक और भी बहुत सारी चीजें हैं इस पार्क में। इस वाटर पार्क की जो टाइमिंग है खुलने की वो सुबह 11 बजे से शाम के 6 बजे तक की है। एंट्री जो है वो अडल्ट की जो है वो 900 रुपीज की अप्रोक्सीमेटली, और सीनियर सिटीजन की वो है 599 की। चलते हैं दोस्तों हमारे 3rd नंबर पे जो कि जुरासिक पार्क। दोस्तों जुरासिक मूवी तो आप सभी ने देखी होगी, डायनासोर्स वगैरह की जो भी मूवीज थी आपको बहुत पसंद भी आई होगी। जुरासिक पार्क की जो एंट्री गेट है वहां पे ही एक बहुत बड़ा टीलेक्स लगा हुआ है। टीलेक्स एक डायनासोर है, रेड कलर का होता है, वो एंट्री गेट पे ही लगा रखा है इन्होंने, जो कि लोकेटेड है ये सोनीपत में। इस वॉटर पार्क में अलग अलग तरह की 21 राइड्स हैं जिसके स्पेशल जो है वो लेजी रिवर है, रेन डांस है, वेव पूल है, किड्स पूल है, 70 फीट हाई वॉटरफॉल है, जाइंट व्हील है और भी बहुत सारी राइड्स हैं इसमें। इसकी जो टाइमिंग है दोस्तों स्टार्ट होने की वो 10:30 बजे से सुबह शाम के 7:30 बजे तक की है। एंट्री फीस जो है वीकडेज पे वो 800 रुपीज अडल्ट की है, और चिल्ड्रंस और सीनियर सिटीजन की 600 पर पर्सन की है। वीकेंड्स पे जो इसकी एंट्री फीस हो जाती है 1000 रुपीज अडल्ट की हो जाती है, और 800 रुपीज चिल्ड्रंस और सीनियर सिटीजन की है। हमारे जो दोस्तों 2nd नंबर का वाटर पार्क है वो है एडवेंचर आइलैंड। एडवेंचर आइलैंड तो आपने सुना ही होगा दोस्तों, बहुत ज्यादा फेमस है रोहिणी में जो लोकेटेड है ये जो वाटर पार्क है पूरे 60 एकड़ से ज्यादा की जमीन पे फैला हुआ है, और इसके बहुत सारी राइड्स हैं जैसे कि फ्री फॉल राइड्स, डेमोलिशन, डर्बी, ट्विस्टर, फ्लिप आउट और बहुत सारी पॉपुलर अट्रैक्शन है इसमें, और इसकी बहुत सारी एक्टिविटीज होती रहती है। इसमें भी लेजी लेक है, रिवर डांस है, रेन डांस है, डीजे सिस्टम भी अवेलेबल है। इसकी जो टाइमिंग्स है ओपन होने की वो सुबह 11 बजे से शाम के 7 बजे तक की है, और एंट्री फीस जो है वो अडल्ट की जो है 650 रुपये से 650 रुपये की है, किड्स की 550 की है, सीनियर सिटीजन की जो 350 रुपये की है। दोस्तों जो हमारे 1st नंबर का जो वाटर पार्क है वो है वर्ल्ड ऑफ वंडर, इसे हम वाओ के नाम से भी जानते हैं। अगर आप कभी इसमें जाएंगे तो आपका सेम यही वर्ड निकलेगा, वाओ, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा बड़ा है, बहुत ज्यादा फेमस भी है। ये इंडिया का सबसे बड़ा माने जाने वाला वाटर पार्क है। ये जो वाटर पार्क लोकेटेड है वो ग्रेट इंडियन पैलेस मॉल के जस्ट बगल में है, GIP मॉल आपने सुना होगा नोएडा में जो है मॉल, उसके जस्ट बगल में है। और इसमें जो है 26 अलग अलग तरह की वर्ल्ड क्लास स्लाइड्स लगाई गई, फुली प्रोटेक्टिव स्लाइड्स जो है रेन डांस के साथ है वो स्लाइड्स, लार्जेस्ट मैनमेड लेक भी है, 360 मीटर लेजी रिवर भी है, बीच भी है इसमें, वेव पूल भी है और भी बहुत सारी चीजें हैं इसमें। दोस्तों इसका जो है एंट्री फीस जो है वो इसकी वीकडेज पे अडल्ट की 1150 की है, किड्स की जो है 50 की है, वीकेंड्स पे जो अडल्ट की हो जाएगी 1250 की है, 1299 की, और किड्स की 999 की। दोस्तों इसकी टाइमिंग जो है ओपन होने की 11 बजे से सुबह शाम के 7 बजे तक की है।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, कि आपको अगर कहीं अपना वीकेंड फैमिली के साथ फ्रेंड्स के साथ कहीं पे स्पेंड करना है तो इस समय के टाइम में वाटर पार्क से अच्छी जगह कोई नहीं होगी। और ये मैंने लिस्ट निकाली है वाटर पार्क की, टॉप 10 वाटर पार्क दिल्ली NCR के अंदर। आपको अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करके हमें जरूर बताएं, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि उससे आपको अगली वीडियो की अपडेट मिलती रहे। दोस्तों तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, ठीक है दोस्तों, अलविदा।